नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो दमोह का गंगा जमुना स्कूल लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। हिजाब धर्मांतरण कांड के बाद अब समूह के कई व्यवसायों का खुलासा हुआ। बड़ी टैक्स चोरी भी पकड़ी गई, स्कूल इमारत में अवैध निर्माण भी पाया गया, लेकिन शासन भी इसी अंदाज में एक्शन में है बगैर देरी किए हुए, और एक्शन रुके भी नहीं। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हिंदू छात्राओं को हिजाब कांड के बाद दमोह के गंगा जमुना ग्रुप की काली करतूतों की परतें एक एक कर उधड़ रही हैं। धर्मांतरण के मामलों के बाद अब जीएसटी की कार्रवाई में 78 लाख से ज्यादा की टैक्स चोरी सामने आई। इधर सरकार सख्त है तो जांच एजेंसियों के बाद अब बारी बुलडोजर की थी। उसके बारे में गहन जांच के आदेश दिए थे। आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री जी ने भी काफी गंभीरता से लिया था उसे। आज स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जांच रिपोर्ट देखी, उसमें अवैध निर्माण आया, और हमने फिर आदेश किया है कलेक्टर को कि अवैध निर्माण है तो हटा। नोटिस जवाब वो बन गया, वो पेश कर देंगे। आप सीएमओ साहब पूरा मामला लेके आ गए सर, चाबी मंगाइए, गेट के अंदर जाएगी, जेसीबी वो करना है, पूरा आमला लेके आए थे। आप लोगों ने किस चीज का विरोध किया है? हम लोगों ने उनका नोटिस ही हमने उनको दिखाया। आपका टाइम पूरा हो जाए तो आप अपने मन की कार्रवाई कर सकते हैं। आप क्या, हम लोग खुद ही तोड़वा देंगे उसको। गंगा जमुना पर हो रहे एक्शन पर कांग्रेस का रिएक्शन भी सुनिए। निर्माण वो बुल्डो चलाने से क्या होगा, उसको अधिग्रहण कर ले सरकार, वहाँ चलाए, दूसरा स्कूल चलाए, कोई मॉडल स्कूल चलाए, कोई एक्सेलेंस स्कूल चलाए, बुलडोजर चला के वो क्षति पहुँचाने से क्या होगा। मैं समझता हूँ कि बुलडोजर चलाना किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है और न्याय नहीं है। मामला अवैध निर्माण ध्वस्त करने तक जा पहुँचा है, लेकिन जरूरत उन तमाम शिक्षण संस्थानों पर एक्शन और कड़ी निगाह रखने की, जहां शिक्षा के नाम पर कोई अलग धार्मिक और जिहादी एजेंडा तो नहीं चलाया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो दमोह का गंगा जमुना स्कूल हिंदू छात्राओं के हिजाब में सामने आने के बाद ये स्कूल चर्चाओं में आया था। बहुत सारे नए नए मामले सामने आ गए, जीएसटी की चोरी से लेकर तमाम तरह की बातें इस स्कूल से जुड़ी सामने आई हैं। हम चर्चा करेंगे तमाम पहलुओं पर। तीन खास मेहमान जिनसे आपका तारुफ करा दें। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका चर्चा में। अजय सिंह यादव जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, आपका भी बहुत स्वागत है अजय जी चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। पंकज जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। ये दमोह का स्कूल मामला ठीक है, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं जीएसटी चोरी से लेकर तमाम, लेकिन इसे हम एक सीख के तौर पर ले सकते हैं भाई? और दूसरे संस्थान हैं, उनकी शासन ने निगरानी शुरू की या नहीं की, या फिर कोई सिस्टम भविष्य में ऐसा कोई तैयार होगा जिससे तमाम ऐसे संस्थानों पर निगरानी रखी जा सके? पंकज जी देखिए, प्रशांत जी, जो इस स्कूल का निर्माण तोड़ा गया है, वो निर्माण जो जांच के उपरांत अवैध पाया गया था, उसको तोड़ा गया है, और ऐसा कानून है, विधि सम्मत है कि यदि कुछ भी अवैध है तो उसको विधि से जुड़ी संस्थाओं को तोड़ने की पात्रता और अधिकार, इसको हम सरकार कहते हैं। तो जो विधि सम्मत है उसका पालन किया, जो विधि विरुद्ध है उसको ध्वस्त किया, और बाकी सारे प्रकरण सामने हैं कि किस प्रकार एक स्कूल की आड़ में अवैध धर्मांतरण का विषय था। और प्रशांत जी, धर्मांतरण के विषयों में देश में धर्म स्वतंत्रता का कानून अधिकार है, और इन सारे विषयों में सरकार का दखल तब तक संभव नहीं जब तक शिकायत सामने ना आए। विवाह हो गया नाम बदलकर, जब पहचान सामने आई कि ये लव जिहाद का विषय था, नाम कुछ और था, धर्म बदलकर नाम रखा, और शादी के उपरांत समझ में आया कि धर्म दूसरा है, फिर युवती पर दबाव डाला जाता है कि आप मेरा धर्म स्वीकार करो या मैं आपको तलाक दे देता हूं। तो जब ऐसे विषय सामने आते हैं तब प्रकरण पुलिस के पास जाते हैं, तब ही पुलिस को विधि अनुसार दखल देने की पात्रता अधिकार, तब तक दखल नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे अंतरजातीय विवाह अवैध नहीं है। अवैध और गैर कानूनी क्या है सर? षड्यंत्र, जो सोच जिसके ऊपर एक चलचित्र बना, केरला स्टोरी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ओमन चांडी, कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम बी एस अच्युतानंदन, उन्होंने सदन में स्वीकारा, 8-8, 7-7 हजार परिवारों का केरला में धर्मांतरण किया गया अवैध रूप से, यौन दासी बनाने के लिए, जिसके ऊपर चलचित्र बना केरला स्टोरी।
कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर जी तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के पास गए और अपने क्षेत्र जी, की जी, एक बात पर थोड़ी सी आपत्ति जरूर है। आपने कहा कि जब तक शिकायत नहीं आती पुलिस तब एक्शन लेती है या फिर दखल देती है। सवाल ये कि जब तक शिकायत आती है बहुत सारी चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी होती है कि गुंजाइश खत्म हो जाती है ट्रैक पर आने की। प्रशांत जी मैं उत्तर देता हूँ, मैं उत्तर दूं प्रशांत जी जी, मैं सिर्फ ये आगे कर रहा हूँ सर कि ऐसा कानून है सर जी, सर जब तक शिकायत नहीं आएगी सर, दो लोगों ने अंतरजातीय विवाह किया पुलिस पकड़ लेगी जाके कि आपने अंतरजातीय विवाह कैसे किया। जब सर शिकायत आएगी तभी पुलिस दखल, यही जो विडंबना अभी यही है कि हमारे देश में अंतरजातीय और धार्मिक स्वतंत्रता का कानूनन अधिकार है तो आप कैसे सर रोक सकते हो। और यदि उस कानूनन अधिकार के उपरांत यदि कानून के उल्लंघन का विषय सामने आता है, धोखाधड़ी सामने आती है, लव जिहाद का विषय सामने आता है, स्कूल के बच्चों को डरा धरा कर दूसरे धर्म की बात की जाती है, स्कूल से एक तहखाना बनाया जो दूसरे धर्म की ओर जाता है जिसे मस्जिद कहते हैं, तो सर ये गलत है ना सर। और ये कब सामने आया प्रशांत जी, जांच में सामने आया, फिर आपकी बाकी कारोबार की चोरियां पकड़ में सामने आ रही हैं, अवैध संपत्ति के विषय सामने आ रहे हैं, जब पूरा गोलमाल है। इसलिए सरकार ने इस मामले की गहन जांच की है, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की भी इसमें दखल है, वो भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि ये उतना छोटा विषय नहीं है, देश का पहला मामला है जहां स्कूल की आड़ में इस प्रकार का गोरख धंधा किया जा रहा है। लोगों को कोई सर झांकता नहीं कोई स्कूल में सर, ये विद्यालय सर। बिल्कुल पंकज जी, सवाल इसीलिए था कि बाकी ऐसे जो शिक्षण संस्थान है उस पर क्या मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। अजय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, मुस्कुरा भी रहे हैं अजय जी। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि दमोह के जिस गंगा जमुना स्कूल के संदर्भ में बात हो रही है वो कोई गैर मान्यता प्राप्त अवैध स्कूल नहीं, शासकीय मान्यता प्राप्त स्कूल था है। तो ये कहना कि सरकार के संज्ञान में नहीं था ये मामला, ये किस तरह से हो सकता है? तो मान्यता की शर्तों को ये स्कूल कैसे पूरा कर रहा था और आपके शासकीय विभाग क्या चेक कर रहे थे और इसकी मान्यता को लगातार बढ़ाया जा रहा था? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को लगातार मान्यता रिन्यू करवानी पड़ती है, कभी भी लाइफ टाइम मान्यता नहीं होती है किसी भी प्राइवेट स्कूल की, और साथ में बोर्ड की भी मान्यताएँ बार बार समय समय पर रिन्यू करवानी पड़ती हैं। इसलिए ये कहना भाजपा का पूरी तरह झूठ फैलाना है कि हमारे संज्ञान में नहीं था, आपके विभागों की मिलीभगत थी, आपके विभाग मिलीभगत करके अगर स्कूल में शिक्षा के नाम पर अच्छा इस तरह का गोरख धंधा या कुछ भी हो रहा था तो आप क्यों मान्यता दे रहे थे? ये बताइए ना, अगर परिजन नहीं बता रहे हैं कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, तो क्या एक एक स्कूल की एक एक क्लास में जाकर प्रशांत जी, ये परिजनों का दायित्व नहीं है, ये विभाग का दायित्व है कि विभाग वहां पर जाकर चेक करे कि जिस स्कूल को हम मान्यता दे रहे हैं वहां विधि सम्मत काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर मान्यता क्या रिश्वत लेने के लिए खोल रखे हैं? दफ्तर की कोई भी स्कूल संचालक आए उनसे मन माफिक 50% का जो आपने बना रखा है मध्य प्रदेश में आंकड़ा, और रिश्वत लेके रिन्यू करते रहे। तो विभाग इसीलिए तो होते हैं कि बच्चों के हितों का संरक्षण करें और ऐसे स्कूल जहां कोई ऐसी गतिविधियां हो उनकी मान्यता रद्द करें ताकि इस तरह की गतिविधियों से बच्चों को सुरक्षित किया जा सके। दूसरी तरफ जीएसटी चोरी की बात आ रही है, आज 78 लाख की टैक्स चोरी पकड़ी गई। जीएसटी डिपार्टमेंट तो स्वमेव संज्ञान लेके कार्रवाई करता है और अभी तक आपका विभाग क्या कर रहा था? अगर इस तरह की चोरी कोई इस तरह के संस्था के संचालक कर रहे थे तो आपके विभागों को क्या कोई रिश्वत दी जा रही थी? उस रिश्वत के बदले में आप लोग इस चोरी के ऊपर पर्दा डाल रहे थे? और नहीं डाल रहे थे तो वो जिम्मेदार लोग कौन है जो मान्यता भी दिए थे, जो इस तरह की टैक्स चोरी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे? तो कहीं ना कहीं तो मिलीभगत है। भाजपा के नेता क्यों नहीं कहते कि हमने शिक्षा विभाग के फलाने अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करी जो स्कूल को मान्यता दे रहे थे हर बार? क्यों नहीं कहते कि जीएसटी विभाग के उन अधिकारी कर्मचारियों पर हमने कार्रवाई करी जिनकी नाक के नीचे इस तरह की चोरी हो रही थी? भारतीय जनता पार्टी गंभीर मुद्दों पर केवल राजनीति करती है और राजनीति एजेंडे के लिए उपयोग करती है। आप ना कार्रवाई कर सकते हैं, केवल और केवल भ्रष्टाचार करके सभी तरह की गतिविधियों को संरक्षण देते हैं। ठीक ठीक बात है चैतन्य जी। शिक्षण संस्थानों में एक इस मामले से कम ये तो साफ है कि आप किसी भी शिक्षण संस्थानों को उनके भरोसे नहीं छोड़ सकते मान्यता देकर। आपको समय समय पर लगातार चेक करना होगा कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा है। परिजनों से भी बात करिए, अलग अलग स्कूलों के बच्चों से भी बात करिए, कैसे हाथ खींच सकता है शिक्षा विभाग? चैतन्य जी
ये देखिए प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब स्कूलों को मान्यता दी जाती है तब वो मान्यता कैसे होती है और किस तरह से होती है, सभी को मालूम है। आप पूरे प्रदेश के स्कूलों में देख लें, एक एक कमरे में स्कूल चल रहे हैं और उनको बाकायदा मान्यता मिली हुई है। तो ये निश्चित तौर पे एक शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा घपलेबाजी, हम इसको मानते हैं कि आपने कभी देखा नहीं जाके कि वहाँ खेल का मैदान है कि नहीं है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, बच्चों को बैठने के। हमारे जबलपुर में हमारे घर के ही पास एक ऐसा स्कूल है जो एक कमरे में चल रहा है बाकायदा, लेकिन उसको मान्यता है और वो कॉन्वेंट के नाम से चल रहा है। तो शिक्षा विभाग में जिस तरह की घालमेल चल रही है मान्यता देने के नाम पर, वो वास्तव में दुखद है। दूसरी बात, जो दमोह का गंगा जमुना स्कूल है उसके बारे में तो सबसे पहले इसी बात को लेकर संशय हो जाना चाहिए कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपने स्कूल का नाम गंगा जमुना कैसे रखे हुए। जाहिर है कि उसके मन में कोई ऐसी बात रही होगी कि हम इसमें गंगा जमुना का नाम रख दें ताकि हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार का शक ना कर सके। वहां पे प्रिंसिपल भी मोमडन है, दूसरे लोग भी मुसलमान हैं, और उसके बाद अगर गंगा जमुना के नाम से वो स्कूल चल रहा है तो निश्चित तौर पे पहला संशय वहीं पर उपस्थित होना चाहिए। दूसरी बात, उसके 50 धंधे हैं उस व्यक्ति के जो उनका संचालक है उसके, अब एक एक धंधों की पोल खुलती जा रही है। तो ये प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी है कि जैसे अभी अजय सिंह जी ने भी कहा कि भाई जीएसटी की चोरी अब पकड़ी जा रही है जब शिकायत हुई है, या उसकी पोल खुलती जा रही है, तो ये सारी चीजें प्रशासन को देखना चाहिए। दूसरी बात, आपने डीओ को तो हटा दिया वहां से, लेकिन कलेक्टर को क्यों नहीं हटाया जबकि उन्होंने तो इसको पहली बार में ही क्लीन चिट दे दी थी। तो ये जो चीन चीन के कार्यवाही होती है उससे भी दिक्कत होती है, क्योंकि कलेक्टर बड़ा अधिकारी है, उसको हटाने में दिक्कत हो रही है। डीओ तो ठीक है, साधारण सा अधिकारी है, द्वितीय श्रेणी का अधिकारी, उसको आपने हटा दिया। तो ये जो जांच चल रही है ये निश्चित तौर पे जांच बहुत अच्छी है और इससे बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन इस जांच के बाद क्या होगा कार्यवाही ये भी एक देखना जरूरी होगा, क्योंकि अक्सर ऐसी मामलों में जांच होती है और फिर जब मामला ठंडा पड़ जाता, वो तो अभी बहुत मामला गर्म है चूंकि धर्मांतरण का मामला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए इस मामले को लेकर बहुत ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अन्यथा ये मामले इस तरह के दब जाते हैं, बहुत से मामले इस तरह के आते हैं लेकिन दब जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि इसकी गहराई से जांच होना चाहिए, और जो तहखाना बनाया गया है या जो कुछ भी बनाया गया है, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि आप बच्चियों को डांट रहे हैं कि अगर आप हिजाब नहीं पहनो। कई बच्चियों के बयान आए कि हम बस्ते में रख के जाते थे वो स्कार्फ, जिसको स्कार्फ कह रहे हैं वहां के संचालक, और उसके जब गेट में पहुंचते थे तो वहां पे हमको स्कार्फ को हिजाब के रूप में पहनना पड़ता था तब हम अंदर जा सकते थे, या अगर हम कोई दूसरी बात करते थे हिंदुओं से संबंधित तो हमको डांटा जाता था, मारा जाता था। तो ये सारी चीजें वास्तव में बहुत भयानक है, और दमोह जैसे एक छोटे शहर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि प्रशासन और शासन को इस तरह के जो दूसरे जैसे ईसाई मिशनरीज के भी जो स्कूल चल रहे हैं उनकी भी जांच करना चाहिए कि भाई वहां कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही कि धर्मांतरण की स्थिति बन रही हो, या आप और कोई ऐसी चीज दिखाई पढ़ाई जा रही है जो हमारे संस्कृति के विपरीत है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और दूसरी बात, जो मान्यता वाली स्थिति है उसको बहुत क्लियर करना पड़ेगा कि हम ऐसे स्कूलों को कतई मान्यता न दें जो हमारे मानदंडों का निर्धारण से बाहर है। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही पंकज जी। दो बातें निकल कर आई हैं, एक तो क्या वाकई प्रशासन चूक गया यहां पर, दूसरा अजय सिंह जी कह रहे हैं कि भाई शिक्षा विभाग में इतना भ्रष्टाचार है बगैर जांच किए क्या मान्यता दे दी। चैतन्य जी जिक्र कर रहे हैं कि एक एक कमरे में स्कूल चल रहे हैं फिर भी एक्शन नहीं होता है, कैसे मिल जाती है मान्यता। देखिए चैतन्य जी ने जो कहा उससे थोड़ी सी विषय असुविधाजनक है, जो उन्होंने कहा कि गंगा जमुना स्कूल था तभी आपको शक कर लेना चाहिए था। तो प्रशांत जी, मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन एक शहर है, भोपाल एक बड़ा शहर है, और सारे प्रतिष्ठान हमारे मुस्लिम भाइयों के हैं जिनके नाम हिंदू के हैं। भोपाल के रेलवे स्टेशन पर ब्रजवासी मिष्ठान भंडार है, संचालक हमारे उसके मुस्लिम भाई हैं। तो ये तो सर हमारे यहाँ यही सही गंगा जमुनी परंपरा है कि आपका धर्म कुछ भी हो सकता है, और यदि आप उस संस्कार संस्कृति को जो वसुधो कुटुंबकम की बात करते हो, सबको साथ देकर चलने की बात करते हो, उसका पालन करते हो, तो प्रसन्नता का विषय होता है। अब चेतन जी कह रहे हैं कि जब गंगा जमुना स्कूल नाम रखा था तभी आपको शक करना चाहिए था, तो ये तो सर मतलब ये कैसे आप नाम के आधार पर कैसे कर सकते हैं। ब्रजवासी किसी ने नाम रखा मिष्ठान भंडार, यदि मुस्लिम सजा तो शक करें कि भैया धर्मांतरण में तो काम नहीं कर रहे। तो सर ये धर्म, मैंने जो आपसे प्रश्न की उल्लेख किया था इसमें सिर्फ एक ही सिर्फ जो बहुत बारीक सी रेखा है वो धर्मांतरण की धर्म स्वतंत्रता की रेखा है सर, और वो कानून की रेखा है सर, उसको नहीं पार कर सकते तब तक कि जब तक कि विषय
शिकायत के रूप में कंप्लेंट के रूप में सामने ना आए, जैसे इस मामले में हुआ। आप सोचिए सर कि मैं तो केला स्टोरी का उल्लेख करूंगा, वो पिक्चर बताती मेरी फिर आपत्ति है कि भाई अगर अगर माइंड वॉश किसी का किया जा रहा है, बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा है, तो क्या आप ये नहीं मानता कि छू मोटो लेके प्रशासन या पुलिस एक्शन ले? उत्तर तो ले लो सर, उत्तर ले लो जी। सर माइंड वॉश का पता चला तब तो एक्शन लिया ना। अगर मैं यही आग्रह करूं सर कि बड़ी बड़ी बच्चियां जो मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ती है उनका माइंड ब्रेन वॉश हो जाता है, तो छोटी बच्चियां हैं सर जो जिन्होंने ना घर पर कभी उल्लेख किया ना घर वालों को पता, उधर बाल आयोग की राष्ट्रीय बाल आयोग की जांच में पता चला। मैं आपने बिल्कुल ठीक बिंदु कहा प्रशांत जी कि ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये पता चले तब तो काम करें, जब पता चला तो कार्रवाई कर रहे हैं, सारी कार्रवाई कर रहे हैं, फिर पूरी कलाई खुली। प्रशांत जी आप, सरकार का अपराध कब होता? जब सरकार सब कुछ पता चलने के बाद जांच नहीं कराती, जांच कराने के बाद विस्तार में नहीं जाती, ये सारी की सारी चीजें। मेरा सिर्फ आग्रह यह है कि हमारे यहाँ धर्म स्वतंत्रता के विषय है और नाम के आधार पर सर, गंगा जमुना स्कूल के आधार पर सर चेतन जी शक कैसे करेंगे सर? चलिए ठीक है, नाम के लिहाज से तो शक नहीं कर सकते, ये ठीक बात है, लेकिन बाकी चल क्या रहा है ये तो पता होना चाहिए। एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं पंकज जी। अजय जी, पंकज जी, मैंने पहले भी कहा, आपने उस बात का जवाब नहीं दिया, प्रति वर्ष स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण करवाना होता है, तो ये स्कूल कैसे सरकार की रडार में नहीं था? आप कह रहे हैं हमारे संज्ञान में स्कूल की गतिविधियां नहीं थी, अगर आती तो हम संज्ञान लेते, तो स्कूल शिक्षा विभाग कैसे मान्यता हर साल रिन्यू कर रहा था? वहां पे नहीं देखते थे कि किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं? तो इसका जवाब दीजिए आप। बिल्कुल आ रहा हूं जी पंकज जी, उत्तर दूं प्रशांत जी? जी जी प्रशांत जी, उत्तर दूं मैं? प्रशांत जी आग्रह कर रहा हूं कि कांग्रेस ने जो सवाल उठाया, मान्यता सर किस विषय पर चेक की जाती है कि वहां धर्मांतरण हो रहा है, उसके जो संचालक है वो हिंदू और मुस्लिम है? पंकज जी मान्यता ये होती है कि स्कूल में सही तरीके से शिक्षा दी जा रही है कि नहीं, पहला मूल होता है। देखिए पंकज जी, भ्रमित मत करिए, नहीं तो ये मान्यता का आधार हो सकता है, आपकी मान्यता भ्रष्टाचार के आधार पर हो रही है, फिर आपके कमीशन के आधार पर मान्यता दे रहे हैं? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। आपके विभाग को यही चेक करना चाहिए कि वहाँ सही शिक्षा दी जा रही है कि नहीं, गलत तरीके शिक्षा तो नहीं दी जा रही है, यही मान्यता के आधार होते हैं? अगर ये मान्यता के आधार नहीं है तो क्या आधार है मुझे बताइए, फिर मुझे बताइए क्या आधार है मान्यता नवीनीकरण का? क्या आधार है मान्यता का? आप किस आधार पर नवीन करते हैं? अगर किसी स्कूल में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उसके बाद भी आप मान्यता दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि क्लीन चिट है, तो इसको भ्रष्टाचार न माने तो क्या माने? मुझे बताइए, ऐसी गतिविधियां चलने के बाद अगर विभाग दे रहा है तो विभाग की गलती नहीं है? आप मुझे बताइए क्या विभाग की गलती है कि नहीं? आपकी चोरी छुपेगी नहीं, ये चोरी छुपेगी नहीं, ये भाजपा सरकार की झिली भगत का परिणाम है जो इस तरह का मामला सामने बोले भी और सुने भी। चर्चा प्रॉपर वे में आगे बढ़े, बोले भी सुने भी। अजय जी आ रहा हूँ आपके पास, सुन लीजिएगा जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए जी। सर कमीशन कांग्रेस का संस्कार है, इसलिए कांग्रेस को कमीशन से प्यार है, हर जगह कमीशन दिखता है इनको, कमीशन नाथ की पार्टी को कमीशन दिखता है हर जगह, यहाँ भी कमीशन दिख रहा है। अरे शर्म करो, समर्थन करो, ठीक है पंकज जी, शर्म करो, स्कूल के पक्ष में खड़े हो, तुष्टिकरण कब तक करोगे? कभी तो शर्म करो जी, कभी तो खड़े हो सनातनियों के साथ। अरे शर्म आप करो, जिनने इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिलवाया मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार जिम्मेदार है इस घटनाक्रम के लिए, आपके झूठ कपट से तथ्य नहीं बदलेंगे, आप जिम्मेदार है इस तरह के घटनाक्रम के लिए, आपकी सरकार केवल कमीशन में डूबी हुई है, प्रदेश के बच्चों के साथ। अजय जी मेरा सवाल आपसे है, पंकज जी शांत हो जाए प्लीज, बच्चों के भविष्य के साथ। ठीक है ठीक, अजय जी सुनिएगा, अरे अजय जी चलिए ठीक है, अजय जी कम से कम एक बात तो माननी पड़ेगी, कांग्रेस नकारती रही कि लव जिहाद जैसी कोई चीज है, धर्मांतरण जैसा कुछ मसला है, कम से कम इस मामले के बाद आप एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि हो रहा है? देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस कानून को बढ़ावा दिया है कि कोई भी किसी भी तरह की धर्मांतरण से संबंधित गतिविधि चलाएं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, ये झूठ कांग्रेस के ऊपर ना फैलाया जाए। पहले भी कानून था, भाजपा सरकार दोबारा लाई, उसका भी हमने सफाई किया, विधानसभा में हमने उस कानून का समर्थन किया,
नहीं किया। आप लोग करवाते हो, ये आपकी सरकार के आपकी सरकार के नाक के नीचे हुआ है दमोह में, आप जिम्मेदार हो। प्रदेश में बच्चियों के साथ मुख्यमंत्री मान रहा हूँ, घटनाक्रम राजनीतिक सेंकने के लिए करवाते हो, राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए आपकी कलाई खुल गई है। आप प्रदेश के बच्चियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, प्रदेश का सौहार्द खराब कर रहे हो। आप इस तरह की राजनीति कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो। आप जिम्मेदार हो। अरे आपके नेता, आपके नेता सिंधिया तो बजरंग दल को भी आईएसआई दूसरे की बात सुन भी लीजिए। इसलिए अजय जी सुनिए भी एक जी, भाजपा सच नहीं सुनना चाहते। आप जिम्मेदार सुनिए भी ना, आप जिम्मेदार कहीं तो सुने भी, ताकि दर्शक भी समझ पाए भाई चल क्या रहा है। जी ठीक है मैं चेतन जी के पास जाऊंगा। अजय जी पंकज जी प्लीज, अजय जी प्रशांत जी मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। पंकज जी डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए पंकज जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सतपुड़ा भवन में आग लगी, 16,000 फाइलें जलाई गई, पूरे दिन हमने वो खबर दिखाई है, कल पूरे दिन जब से आग लगी सबसे पहले खबर हमने दिखाई थी, जब सतपुड़ा भवन में आग लगी थी सबसे पहले खबर हमने दिखाई थी। लेकिन आज मसला अलग है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं चेतन जी के पास जाऊंगा। अजय जी पंकज जी, चेतन जी एक चूंकि सवाल वाकई बड़ा है, जो मसला जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आज एक नया डिटेल सामने आया, जो तीन जबलपुर से संदिग्ध पकड़े गए थे, सावत अल हिंद एक मैगजीन अफगानिस्तान से छप रही है, यानी कि क्या क्या साजिशें धर्मांतरण के लिए, लव जिहाद के लिए की जा रही हैं। गाजियाबाद में एक जो बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था कि कैसे एक ऐप के जरिए लव जिहाद की तरफ बढ़ाया जा रहा था, ये वाकई समस्या है और इसको कोई नकार तो नहीं सकता। चैतन्य जी ये देखिए प्रशांत जी, ये बात तो निश्चित तौर पे पिछले कुछ लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और इस पे शासन को निश्चित तौर पे नजर रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। दूसरी बात जो अभी पंकज जी ने कही कि नाम से कैसे हम उसको कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक होटल और एक शिक्षण संस्थान में बहुत फर्क होता है। होटल में आदमी आता है, ब्रजवासी नाम रख लो या महादेव होटल रख लो या श्रीराम होटल रख लो, वहां आदमी आएगा आधा घंटा खाना खा के निकल जाएगा। लेकिन एक शिक्षण संस्थान जहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वहां किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। होटल और शिक्षण संस्थान की आप कोई बराबरी नहीं कर सकते। किसी भी शिक्षक अधिकारी को कम से कम वहां जाके एक आध बार तो कभी चेकिंग होती है स्कूलों में कि नहीं होती, अगर उसको जाके वो चेक करता तो उसको दिखता सामने कि वहां लड़कियां हिजाब पहन के बैठी हुई हैं, उसी समय एक्शन हो सकता था। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पे ये बहुत खतरनाक चीजें हैं और जिस तरह से लोग कर रहे हैं, अब जैसे मैगजीन की आपने बात बताई उसमें ये कहा जा रहा था कि आप संक्रमण फैलाओ, तो ये निश्चित तौर पर ऐसे लोग हैं, इनकी बाकायदा उनको खोज के और उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करना चाहिए और शासन को भी चाहिए कि अपना जो जो खुफिया विभाग है उसको बहुत ज्यादा एक्टिव रखें और खुफिया विभाग के माध्यम से ऐसी चीजों का पता लगाया जा सके ताकि शासन उन पर कार्यवाही कर सके। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि गंगा जमुना स्कूल का नाम और ब्रजवासी होटल का नाम या महादेव होटल का नाम, इस पर बहुत बड़ा फर्क होता है क्योंकि जिस तरह से जो चीजें सामने आ रही हैं कि हिजाब पहनना जरूरी होता है और वहां पर दूसरी चीजें बताई जाती थी और नमाज के बारे में भी बताया जाता था, कुरान के बारे में भी बताया जाता, तो ये सारी चीजें तो शिक्षा विभाग को कभी तो चेक करना चाहिए किसी स्कूल को, लेकिन शिक्षा विभाग में ऐसा होता नहीं कि मुझे लगता नहीं कि कोई स्कूल में जाके अधिकारी चेक करता हो। वाकई बड़ी बात कह रहे हैं आप चेतन जी, क्योंकि शिक्षण संस्थान अगर वहां पर कुछ गलत चल रहा है तो पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है, भविष्य बर्बाद हो सकता है देश का, इसलिए शिक्षण संस्थानों में चल क्या रहा है, नाम कोई भी हो, ये ध्यान रखना, बर्बाद होती है, सही बात वाकई है। शासन और प्रशासन को माफी चाहूंगा, चर्चा यही थामेंगे, वक्त नहीं इजाजत देता। चैतन्य भट्ट जी, अजय सिंह यादव जी, पंकज चतुर्वेदी जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।